जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में शनिवार को बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि सभी विधानसभा अध्यक्षगण बूथ कमेटियों को अतिशीघ्र कार्यालय पर जमा करा दें। मतदाता पुनरीक्षण में सभी बूथ प्रभारियों की बैठक करके जिम्मेदारी दे दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बांधों के कटान से किसानों को होने वाले नुकसान का समाधान किया जाए। 9 सितंबर से सभी मतदान स्थलों पर मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है। बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी सहित सभी नेतागण लगकर मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का कार्य करें। बैठक में सांसद प्रवीण कुमार निषाद, जवाहरलाल मौर्य, यशपाल रावत, अमरेंद्र निषाद, ओम यादव, पन्नेलाल पहलवान, मिर्जा कदीर बेग, रामनाथ यादव, अशोक यादव, कबीर आलम, श्याम देव निषाद, शकील अंसारी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रमोद यादव, अभिमन्यु यादव, संजय पहलवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी की कमेटी का जो बैठक होना है ना सुलझ पाए और बैठक में आज मासिक बैठक है जिसके एजेंडे में गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को जीतने के लिए करके रणनीति बनाई जा रही है और दूसरा जो बाढ़ आई हुई है तो उस बाढ़ में कहीं जो कटान हो रही है वहां पर कटान रुकवाने के लिए प्रशासन से कह करके उस पर कार्रवाई करने के लिए बात हुई है और जो बूथ कमेटियां हमारी बनी हैं उन बूथ कमेटियों पर और जो वोट बढ़ाए जाएंगे बूथों पर फार्म 6, 7, 8 भर करके चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है 28 अक्टूबर तक उस पर पूरा चर्चा होगी कि हमारे जितने भी बूथ स्तर के प्रभारी हैं बीएलए हैं वह लोग मतदाता सूचियां लेकर के चेक करके जिनका नाम छूट गया है या जिनके नाम नए बढ़ने हैं जो 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हो रहे हैं उन लोगों का नाम शामिल करवाना, जो छूट गए हैं उनका शामिल करवाना, जो नहीं रह रहे हैं उनका वहां से विलोपित करवाना, जो अपना पता बदल दिए हैं उनका नाम हटवाना, इस पर चर्चा होनी है।